हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे छोटे से पार्ट की जो आपके लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम पीसीबी वॉल्व। ये आपके इंजन के टैपेट कवर के ऊपर लगा होता है। सिंपली इसका वर्क ये होता है, जो इंजन के अंदर हमारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या फिर जो भी ब्लो बाय गैसेस होती हैं उनको इंजन से बाहर निकालना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वन वे वॉल्व होता है, स्प्रिंग के थ्रू काम करता है और ये पार्ट इसका इंजन के अंदर रहता है। तो जो भी गैसेस इसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं वो इसके थ्रू थ्रॉटल बॉडी में बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद जब आपका ऑयल में कचरा आता है या ऑयल पुराना हो जाता है या फिर काफ़ी टाइम तक उसमें लगे रहता है इंजन में, तो इसके ऊपर ऑयल जमा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ये चोक होने लगता है। इसके जो सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे ख़राब होने के वो हैं रफ़ आइडलिंग, मिसफायरिंग, आपके साइलेंसर में से थोड़ा सा ऑयल जलने की स्मेल आना और आपके इंजन में से छोटी मोटी लीकेज दिखना ऑयल की। छोटा सा पार्ट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं घर पर ही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए मैं इसको क्लीन करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगे टारपीन का तेल, जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे या पेंट की शॉप पे मिल जाएगा। इसको पहले एक बार बाहर से क्लीन कर लेते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि डिपॉजिट बहुत ज़्यादा जमा है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये बहुत टाइम से चेंज नहीं किया गया है। इसको नॉर्मली आपको हर एक साल पे क्लीन करना चाहिए या फिर 2 साल पे बदल ही देना चाहिए। इसके अंदर एक बार हम ऑयल डालने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर जो स्प्रिंग है वो बहुत फ्रीली मूव करना चाहिए। इसके अंदर से बहुत कचरा निकल रहा है पुराने ऑयल का। मैं आप इस तरफ से फूक मार के चेक कर सकते हैं कि ये एयर से एयर निकाल रहा है या नहीं। अगर निकाल रहा है तो ये ख़राब हो चुका है, अगर नहीं निकाल रहा है तो अभी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉल्व वन वे ही काम करना चाहिए। एक बार इसको अंदर से भी स्क्रू ड्राइवर डाल के चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे काम करता है। एक बार इसके अंदर ऑयल डाल के हम इसको और साफ करेंगे। देख सकते हैं आप इसमें कितना काला ऑयल निकल रहा है। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है। इसको हम वापस कार में इंस्टॉल करेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं। साथ ही साथ हम इसका होस भी साफ़ कर लेंगे जो ये टोटल बॉडी में लगता है, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ऑयल डिपॉजिट हो चुका होगा। इसको दोनों एंड से क्लोज करके इसके अंदर भी सब ऑयल गंदा हो चुका था। जनरली इन पार्ट्स को कोई जल्दी से ध्यान देता नहीं है इन पर, लेकिन जब आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार इसमें हवा ब्लो करके इसे हम साफ कर लेंगे।
भी काफ़ी साफ हो चुका है, इसको हम इंस्टॉल करने के लिए भी रेडी है। इसको हम जाके अब कार में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। मेनली ऑल्टो और वैगनार में ये सेम लगता है वॉल्व, बाकी का न्यू जनरेशन का मुझे आइडिया नहीं है। चलिए अभी इंस्टॉलेशन के लिए दोनों पार्ट्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसमें आपको इसी वॉल्व इंस्टॉल करना दिखाएंगे कैसे करते हैं। इसका जो ये पर्पल एंड है इसको हम लगाएंगे यहाँ पर टैपेट कवर के अंदर। और आपको एक चीज़ ध्यान और रखनी है कि अगर ये जो इसका सील है रबर सील, अगर ये काफ़ी कहीं से कट गया है या फिर ये काफ़ी लूज़ हो रहा है तो इसको बदल देना चाहिए आपको। इसके अंदर ये फिक्स हो चुका है अब। और जो इसका ये होज़ है इसको हम किसी भी एक साइड पहले इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पर, और थ्रॉटल बॉडी में जो इसका पोजीशन है उसे हम यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे। अब क्लिप्स को लगा देते हैं वापस। ओके, इधर वाला क्लिप भी लगा देते हैं। दोनों तरफ हो चुका है। अब आपको एक बार कार स्टार्ट करके दिखा देते हैं। अभी कार हमारी कोल्ड स्टार्ट हुई है इसलिए आरपीएम थोड़े बढ़े हुए आपको दिखेंगे, लेकिन जब कार वार्म हो जाएगी तो इसकी जो आइडलिंग है और जो इसका वाइब्रेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसका रिस्पांस पहले से काफ़ी अलग लग रहा है क्योंकि आपके जो भी इंजन में गैसेज होती हैं वो इस टैपेट कवर के थ्रू, इसके थ्रू यहाँ से थ्रॉटल बॉडी में निकल जाती है, इसलिए इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके आगे ऐसे नए वीडियोस आते रहेंगे।